दिल्ली में शनिवार को लुटेरों ने पुलिस को चुनौती दी और प्रगति मैदान चैनल में चार लुटेरों ने एक कार सवार को सरेआम लूट लिया। देर रात दिल्ली पुलिस सड़कों पर उतरी और दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने भी साफ कर दिया कि दिल्ली में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली लूट मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर एक टनल में बाइक सवार कुछ लोग आते हैं, कार को रोकते हैं और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन रात भर पुलिस की दबिश चालू रहती है, अलग अलग जगहों पर बैरिकेटिंग दिखाई देती है और उसके बाद अब जो बताया जा रहा है कि चार आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और ये आप देख रहे हैं, दो बाइकों पर सवार होकर के ये कुछ लोग आते हैं, लूट की घटना को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस घटना के सामने के आने के बाद पुलिस प्रशासन महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ जाता है। नाइट पेट्रोलिंग या नाइट में क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर दबिश और जो चेकिंग है वो एक पुलिस की संस्थागत व्यवस्था है और ये हमेशा, वैसे ये रोज का कार्यक्रम होता है, लेकिन किसी किसी दिनों पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसमें फ्रॉम प्लेस एंड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू ये हम लोग करते रहते हैं। और जो कुल मकसद ये है कि पुलिस में भी चुस्ती रहे और जो क्राइम और क्रिमिनल्स हैं ये इफेक्टिव तरीके से कंटेन्ड रहें और ये एक टग ऑफ वॉर सा सिनेरियो हमेशा रहता है।